कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। तो बताइए आज क्या क्लास थी हमारी? मतलब मोबाइल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी आईसी है। यस सर। सारी आईसी हमने रिकॉल करी। यस सर। किस किसने करी? यस सर। सबने करी? यस सर। कितनी कितनी बार करी? ये सबके नाम लिखे? यस सर। यहाँ पे नाम लिखवाया? यस सर। ताकि कोई भी बाकी ना रहे। ना रहे। यस सर। और उसके बाद फिर क्या क्लास था आपका? कंपोनेंट का डे टू। कंपोनेंट की डे टू। कंपोनेंट की टू क्लास लिया? यस सर। कंपोनेंट टू। टू। कंपोनेंट टू। यस सर। किस किस के कंपोनेंट क्लियर है यहाँ पर? सबके क्लियर है। सबके क्लियर है? यस सर। वो थर्मिस्टर हो? यस सर। वो बक कॉइल हो? यस सर। वो बुश कॉइल हो? यस सर। वो नॉर्मल कॉइल हो? यस सर। वो सिग्नल कॉइल हो? यस सर। या फिर अगर मैं बोलूं कि डायोड सीधा डायोड हो? यस सर। पैरेलल डायोड हो? यस सर। यूनिडायरेक्शनल? यस सर। बाइडायरेक्शनल? यस सर। सारे का कांसेप्ट क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, पूरी पीसीबी में कौन कौन रीडिंग ले सकता है? यस सर। सभी पीसीबी में? यस सर। अच्छा, पूरी पीसीबी के कंपोनेंट कौन कौन चेक कर सकता है? यस सर। मल्टीमीटर के पूरे फंक्शन किस किस को मालूम है? यस सर। अच्छा, आपसे लास्ट प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि थर्मिस्टर मोबाइल से कौन कौन ढूंढ सकता है? यस सर। सभी ढूंढ सकते हैं? यस सर। तो भाई दो दिन इतना नॉलेज? हेलो। यस सर। दो दिन में इतना नॉलेज? यस सर। कैसे संभव है? एशिया टेलीकॉम से संभव है। और लास्ट में अभी किस किस ने पावर आईसी उठा के वापस लगाया है? यस सर। सबने लगाया? यस सर। और कल क्या करने वाले हैं हम? पावर आईसी होती है कौन सा कंपोनेंट कहाँ पाया जाता है सारा सर ने बिल्कुल नॉर्मल ट्रिक में ही समझा फिर प्रैक्टिकल क्लास में आके हमने क्या किया यहाँ सर वो प्रैक्टिकली चेक किया सारा प्रैक्टिकली क्या आपने बोर्ड एक चालू बोर्ड पे वोल्टेज भी चेक करें यस सर आपने सीरीज पैरेलल भी चेक किया है सर आपने सारे कंपोनेंट भी चेक किया है सर सर ने आपको मॉस्फेट भी पढ़ाया है सर ट्रांजिस्टर भी पढ़ाया आपको सारे प्रकार की चीजें बताई यस सर चलिए ठीक तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है तो कल तक क्या आता था मतलब परसों तक 28 तारीख को क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज को सवेरे जब हम क्लास में आए थे तो क्या नॉलेज था कुछ भी नहीं है और आज क्या नॉलेज टू चल रहा है बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ सीखा दो दिन में क्या एक आईसी को दुनिया की कोई सी भी आईसी हो आप रिवर्स कर लोगे रिवर्स कर सकते हो दुनिया का कोई सा भी कंपोनेंट हो जो आपके मदरबोर्ड की पीसीबी में लगा है क्या उसको आप टेस्ट कर सकते हो मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस आते हैं आपको अच्छा अगर मैं बोलूं कि रीडिंग निकाल के बता दो कोल्ड टेस्टिंग करके बता दो तो बता देंगे आप तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर मेरा नाम अब्दुल है अब्दुल दो दिन की क्लास और काफी समय से आप काम भी कर रहे थे हां सर दो दिन में और काफी समय में दो दिन वाले अब्दुल में और आज के अब्दुल में क्या फर्क है सर मेरे को तो ऐसा लगता है दो दिन का अब्दुल ही सब कुछ है जिससे पहले मैं इतने साल काम किया लेकिन मैं जीरो पे था मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि कंपोनेंट किसको बोलते हैं क्या किधर रहता सर्किट की पहचान नहीं थी दो दिन से कंपोनेंट का क्लास हुआ तो ये ए टू जेड मेरे को पूरा समझ में आ रहा है अभी कैसे चेक कर दे कैसा वोल्टेज निकाल दे कैसा पूरा मालूम आ रहा है सर और एक कंपोनेंट के क्या काम होता है ये सब पूरा मालूम सर पूरा पता चल रहा है अभी अभी पता है मेरे को चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है प्लीज नाम बताइए सर मैडम जय तो जय ये बताइए कि 28 तारीख की सुबह जब यहाँ पर क्लास में आए थे आप 7 बजे सर तो 7 बजे क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज सर उस समय सर ऐसा कोई नॉलेज नहीं था लेकिन अभी मुझे पूरा नॉलेज है पूरा नॉलेज है जो भी हमारी क्लासेस हुई है उसका पूरा नॉलेज है तो क्या हम सिर्फ यहाँ थ्योरी करते हैं कि नहीं सर प्रैक्टिकल भी करते हैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करते हैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करते हैं तो थ्योरी भी समझना जरूरी है बहुत जरूरी प्रैक्टिकल अटेंड करना भी जरूरी और जो थ्योरी का मटेरियल होता है वो देव सर जो आपको देते हैं वो क्या लेवल का देते हैं सर बहुत नेक्स्ट लेवल देते हैं बहुत आसान करके देते हैं तो जब यहाँ पर पूरा चेक कर रहे हो तो अब आगे के बताइए कि अब दो दिन में ये नॉलेज मिला है तो आने वाले टाइम में क्या नॉलेज मिलेगा आने वाले टाइम में सर बहुत बढ़िया नॉलेज अगर मैं हैंड स्किल की बात करूँ आपको तो आप सक्षम में सारे प्रकार के आईसी को रिकॉल कर सर बिल्कुल बिल्कुल सर सक्षम सारे प्रकार के आईसी को रिकॉल कर लेंगे और निकालने लगाने मतलब बात करें निकालने की तो निकाला आज भी है आपने कल और निकालेंगे आप परसों और निकालेंगे आप बिल्कुल सर ऑन फोन में निकालेंगे ऑन फोन में काम करेंगे चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू चलो नेक्स्ट वन तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है प्लीज नाम बताइए सर मेरा नाम लकी सोलंकी है लकी एशिया टेलीकॉम में दो दिन का नॉलेज और पुराने वाले लकी का नॉलेज क्या फर्क है सर इस नॉलेज में तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सर इतने से ज्यादा मुझे नॉलेज मैंने सोच रहा था इतना कुछ तो हमको 8-10 दिन की क्लास में मिलेगा वो सर मुझे 2 दिन की क्लास में देव सर और आपकी हेल्प से
मैं खुद को आज समझना हूँ कि यहाँ कुछ मैंने किया है। अब आपको सर्किट्स का कैसा नॉलेज है, कंपोनेंट का कैसा नॉलेज है? सर कंपोनेंट का ऐसा नॉलेज है कि अभी कोई सा भी कंपोनेंट, कल तो हाफ क्लास थी कंपोनेंट की, तो कुछ कंपोनेंट की नॉलेज थी, कुछ की नहीं थी। आज सर डे टू था कंपोनेंट्स का, तो कंपोनेंट्स आज हमारे पूरे 100% क्लियर है। और जितने बोर्ड में जितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं देव सर और आपके प्रैक्टिकल की सहायता से हमें खुद सक्षम हूँ हर टाइप के कंपोनेंट को चेक करने में, उसकी रीडिंग जी आर, उसका पैरेलल सीरीज और अपना जो कॉइल जो भी चेक होता है सर, हर चीज को मैं चेक करने में सक्षम हूँ आपकी मदद से। सर मैंने मल्टीमीटर को जो चलाना भी मतलब सही तरीके से सीखा। आप मल्टीमीटर की बात कर रहे हैं, परसों की क्लास से आप जब करेंगे तो डीएसओ पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? डीएसओ सर। यार हो जाओ सब डीएसओ पे। यस सर। सब करना चाहेंगे। यस सर। बेशक टेलीकॉम में डीएसओ एक शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यस सर। समझ में आया? यस सर। यहां मेरा हर एक स्टूडेंट यस सर डीएसओ पे काम करेगा। यस सर। समझ में आ रहा? यस सर। वो वोल्टेज भी समझेगा, वो जीआर भी समझेगा, रीडिंग भी समझेगा, फ्रीक्वेंसी भी समझेगा। फ्रीक्वेंसी कहां से बनती है, कैसी बनती है, क्या पैटर्न होता है, यस सर, क्यों से बनने वाली है ना, पावर से बनने वाली, क्रिस्टल से बनने वाली, सारी फ्रीक्वेंसी को रीड करेगा। यस सर। यस सर। और दिमाग में बिठा के जाएगा, क्योंकि हम डीएसओ के साथ काम करेंगे। यस सर। यस सर। कौन कौन डीएसओ के साथ काम करेंगे? यस सर। सब काम करेंगे। यस सर। तो हम सर डीएसओ वाले टेक्नीशियन हैं। यस सर। राइट, थैंक यू। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मोहम्मद असलम। 28 तारीख वाले असलम जो कश्मीर से आया था और आज वाले असलम में क्या फर्क है? सर बहुत फर्क है सर, मीटर का भी पता नहीं होता था कैसे चेक करना, क्या कभी पहली बार देखा था फर्स्ट टाइम से, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। भाई कश्मीर से बहुत दूर से आओ, घर छोड़ के आओ, कश्मीर वाला बनता है, कश्मीर से बाहर निकलता नहीं है ना जी सर। उसको जो मतलब क्या बोला स्वर्ग बोला जाता है कश्मीर है ना, वहाँ से स्वर्ग से कोई बाहर निकलता नहीं। तो स्वर्ग से बाहर निकले तुम जबलपुर आए, जबलपुर आने के बाद जो आपने ट्रेनिंग ली, अभी 28 तारीख को क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज? अभी बहुत बढ़िया सर, पूरे बोर्ड के बारे में पहचान होने, हर चीज का पता चल गया, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं हेड स्किल की बात करूं, क्या बोला था सर ने? बहुत बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ाया उन्होंने, जो समझ में आ गया सब कुछ। अभी हैंड स्किल का तो सर पहले तो पता नहीं, किसी को टूथ को पकड़ने में भी पता नहीं लगता था, अब सारा कुछ क्लियर हो गया सर। आज आपने डुअल्डे करके आया? यस सर। डुअल्डे रैम क्या? रैम किया सर। नॉर्मल 4G क्या है? यस सर। पावर आईसी क्या है? यस सर। अभी कोई सी ऐसी आईसी बची जो छोड़ी है? नहीं सर। अभी एमएमसी भी क्या आपने? यस सर। सब तो कोई सी आईसी छोड़ी है आपने? नो सर, नो। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। निकेतन है सर। निकेतन, एशिया टेलीकॉम में आज 28 तारीख को आपकी पहली क्लास थी और आज ईमानदारी से बोले तो आज 29 तारीख है ना। तो 28 तारीख की जब 7 बजे निकेतन नेपाल से यहाँ आया था और आज नेपाल जो 10 बज रही है, सेकंड डे का 10 बज रहा है, मतलब दूसरे दिन का 10 बज रहा है, क्या फर्क है? एकदम फर्क है, पहले मैं 0 था सर, 2 दिन पहले हीरो हो गया। आप हीरो गए? तो ये जबरदस्ती तो रिव्यू नहीं निकलता है ना सर? अभी हैंड स्किल की बात करें तो आप एकदम साफ है सर, हैंड स्किल सर। अच्छा, दूसरी बात, हम अगर एक मदरबोर्ड के कंपोनेंट की पढ़ाई होती है 10-10 दिन। हेलो यस सर। दूसरी जगह 10-10 दिन पढ़ाई होती है, उसके बाद भी कंपोनेंट का कांसेप्ट क्लियर नहीं होता सर? नहीं होता। तो क्या हम 2 दिन में सारे कंपोनेंट का कांसेप्ट क्लियर करके बैठे? यस सर। मदरबोर्ड में ऐसा कोई सा कंपोनेंट है जो आपने ट्रेस ना किया हो? नहीं सर, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं रह गया है, सभी हम ट्रेस कर लेते हैं। आप वोल्टेजेस चेक कर सकते हो एकदम? मल्टीमीटर में ऐसा कोई फंक्शन जो आप ऑपरेट ना कर पाओ? सर सारे कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज। तरुण गर्ग। तरुण, 28 तारीख वाले तरुण में आज 29 तारीख की रात वाले तरुण गर्ग में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर, पहले मैं आईसी से हाथ भी लगा था। अच्छा, हमें निकाल कर लगाना सीखा, निकाल के लगाना सीखा, रिबॉल करना सीखा, गुड विल्ड करो। हाँ, तो कौन सी स्टेंसिल करते हो? यूनिवर्सल। नहीं, गोल्ड लेकर के लिए तो प्रॉपर स्टेंसिल होगी, रैम के लिए? रैम के लिए नहीं, यूनिवर्सल से होता है। यूनिवर्सल से ही होता है? यूनिवर्सल से। 5-7-10 बार करना पड़ता हूँ? नहीं नहीं, एक ही बार में होता है। एक ही बार में होता है? आपने ऐसी ट्रिक बताई, एक ही बार में होता है। अच्छा, कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट तो भाई अब ये मत बोलना कि सर 2 दिन में सारे कंपोनेंट सीख गए। नहीं, सारे सीखे सर, आपने बताया जो दिमाग में आ गए, आपने अभी मतलब 2 दिन की क्लास में जो पढ़ाया वो सब सीखे हैं, सारा सीख गए। मदर बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे सबको टेस्ट कर सकते हैं जी। मल्टीमीटर के सारे फंक्शन हमको आते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर हम डीसी वोल्टेज जो हमारे मदरबोर्ड में होते हैं उसको किस तरीके से मल्टीमीटर से चेक करना, ये भी हमने लाइव करके बताया सर। 4 वोल्ट चेक किया। ठीक है, चलिए ठीक है, और बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम विशाल सर। विशाल, 28 तारीख की 7 बजे वाले विशाल में और 29 तारीख की 10 बजे रात के विशाल में क्या फर्क है? दिन रात का फर्क है। नॉलेज की बात करूँ सर, पहले मल्टीमीटर भी चलाना नहीं आता था। मल्टीमीटर? हाँ जी। कभी आईसी रिबॉल नहीं किया था, कभी सीपीयू रिबॉल नहीं किया था, कभी रैम रिबॉल नहीं किया था। हाँ सर, 2 दिन की क्लास में मैंने सब कुछ कर लिया सर, वो भी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जी। और कंपोनेंट का नॉलेज, साथ में आपको कंपोनेंट की नॉलेज भी देव सर ने दिया। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। अच्छा, और प्रैक्टिकल क्लास में सारी चीज़ें आपने बनाई है प्रैक्टिकल? जी जी सर। सर कंपोनेंट्स सभी डाइवर्स चेक किए सर। अभी कुछ पीसीबी को देखने का नजरिया बना? जी जी, बहुत अच्छा। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं मोबाइल की लाइन में, वो बताइए मेरे को 28 तारीख में और आज में 29 तारीख की रात में क्या फर्क है? मेरे बहुत फर्क है, हर चीज़ की नॉलेज इतनी डीप लेवल से मिलती है ना यहाँ पे, जो तुरंत स्टूडेंट सीख जाता है, तुरंत कोई सी भी चीज़ हो X to Z तुरंत पकड़ में करता है स्टूडेंट, फुल शॉर्ट फॉर्म में बता दे सर बिल्कुल जी। और हमें हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है यहाँ पे, कैपेसिटर, डायोड है ना, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें जी मदरबोर्ड के अंदर, जो हर चीज़ का ज्ञान है सर बिल्कुल 14 दिन के अंदर।
दो दिन के अंदर हमको सारा मल्टीमीटर का पूरा नॉलेज हुआ। बिल्कुल सर, वो वोल्टेज की बात करें, सीरीज पैरेलल की बात करें, चारों टाइप के रेजिस्टर्स की बात करें, वीडीआर की बात करें, एनटीसी की बात, थर्मिस्टर की बात करें, हम तो हमारी पीसीबी में से ढूंढ के निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा कि अभी हैंड स्किल में कैसा हो गया? हैंड स्किल बहुत बढ़िया, पहले तो थोड़ा डर लगता था कि हो नहीं पाएगा, बट हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कोई भी काम करते हैं तो उसका ये लॉजिक मालूम पड़ता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं। यस सर, बिल्कुल सर। तो चलिए, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभिजीत दास। अभिजीत, एशिया टेलीकॉम में आज आपका दूसरा दिन, 28 तारीख के 7 बजे क्या नॉलेज था और 29 तारीख की रात को 10 बजे क्या नॉलेज? बहुत उन्नति है सर, उसमें बहुत कुछ सीखना मिला दो दिन में। आज कंपोनेंट का लास्ट डे था, और भी सीखना है मुझे जी। बहुत दिन तक देव सर के साथ जो कंपोनेंट की क्लास थी, क्या लेवल से नॉलेज मिला है? और इंटीरियर लेवल का क्लास था, एक एक नाम, एक एक कंपोनेंट का पूरा डिटेल्स नाम से सिखाया जी। अगर हम लोग इसको कहीं भी खोजने जाए, टेलीग्राम में या कुछ गूगल में सर्च कर, पूरे डिटेल्स से सर्च कर पाएंगे। सेकंड चीज की, अभी जो हैंड स्किल है वो 28 तारीख से अभी 29 तारीख तक जब आपका समय आया, तो हैंड स्किल में क्या सुधार है? हैंड स्किल बहुत सुधार है, अभी एक आर्मी हो जाता है। हर चीज का रीजन मालूम है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, मतलब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वहाँ देख लिया और कर लिया, सबने कर दिया। नहीं, हर चीज़ के पीछे लगी, हर चीज़ तोड़ के समझाया है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, हर चीज़ समझाया है। तो कंपोनेंट की समझ बिल्कुल आ गई हमको। हाँ सर। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। संतोष कुमार जोशी है सर। संतोष, ये बताइए मुझे कि राजस्थान से आप? हाँ सर। तो राजस्थान से जबलपुर आए? हाँ। तो ये बताइए मुझे कि 28 तारीख वाले सुबह 7 बजे वाले संतोष में और रात के 29 तारीख को रात के 10 बजे वाले संतोष में क्या फर्क? सर काफी फर्क है सर। उसमें जब मैं आया तो मुझे मल्टीमीटर का भी ज्ञान नहीं था, कैपेसिटर, रजिस्टर, थर्मिस्टर, डायोड, जिन्हें डायोड इस तरह नॉलेज नहीं था, लेकिन सर यहाँ आने के बाद मुझे सब पता चल गया। और आईसी जो रिमूव होती है उसका मेरे को पता भी नहीं था कि ये हॉटगन कैसे पकड़ते हैं, एसएमडी कैसे पकड़ते हैं। मैंने यहाँ आके यूनिवर्सल स्टेंशन से आईसी रिमूव करना सीखा। सर की ट्रिक इतनी अच्छी थी कि सर वो एक एक चीज को इतनी सरलता से समझाते हैं कि सर वो दिमाग से उतर ही नहीं है। और उसके बाद दो देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की क्लास थी। हाँ सर, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, अभी कंपोनेंट पूरा दिमाग में बसा गया। हाँ सर, कंपोनेंट पूरा दिमाग में बैठ गया कि रजिस्टर कहाँ लगता है, पैरेलल सीरीज है या सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, डायोड है, कौन सा डायोड है, थर्मिस्टर है। रजिस्टर शॉर्ट, रजिस्टर अगर ओपन होगा तो क्या क्या हमको क्या रीडिंग मिलेगी, और अगर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो क्या रीडिंग मिलेगी, डायोड शॉर्ट होते क्या रीडिंग मिलेगी, ये सब पता है। अगर हमारी ओपन हुई है तो हमको क्या रीडिंग, ये सारा आइडिया है, ये सारा आइडिया है। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो हमारे सामने एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, अर्जुन एशिया टेलीकॉम में आज अर्जुन का दूसरा दिन। जी सर, कल 28 तारीख की कल पहला दिन था जी सर, आज 29 तारीख है, आज दूसरा दिन था और आज की क्लास में 10 बज गए। अर्जुन कब आए थे आप क्लास में? सवेरे कब आए थे? सुबह 7 बजे आए। 7 बजे, और अभी कितने बज रहे हैं? 10। कितने घंटे की क्लास हो गई? 15 घंटा। नहीं मजाक कर रहे हो तुम? नहीं नहीं मजाक सर, आप झूठ बोल रहे हो, 15 घंटे की क्लास नहीं, मैं लाई हूँ यहाँ। 15 घंटे की भैया। तुम्हारे पर टेलीकॉम वाले बहुत अत्याचार करते हैं? नहीं सर। अत्याचार करते हैं? नो सर। कोई टाइम होता पढ़ाने का? सवेरे 7 बजे कौन सी क्लास लगती है भाई? कौन से इंस्टीट्यूट में क्लास लगती है, ठंडे के अंदर? अच्छा, एक सेकंड के लिए भी तुमको जल्दी है घर जाने की? मेरे को जल्दी है घर जाने की, किसी प्रकार की जल्दी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपोनेंट की समझ अब कैसी है? बहुत बढ़िया सर, कोई भी फोन का कोई भी मदरबोर्ड हो, बिना डायग्राम का हम बता सकते हैं, बिना डायग्राम के आप ट्रेस करके बता सकते हैं, सेटिंग निकाल के बता सकते हैं। जी सर। अच्छा, सेकंड चीज ये पूछूंगा आपको मैं, अगर वोल्टेज चेक करना हो, अगर जीआर चेक करना हो, कंपोनेंट सीरीज या पैरेलल में वो चेक करना हो, या फिर डायोड को चेक करना हो, डायोड के सारे टाइप्स चेक करना हो, रजिस्टर के सारे टाइप्स चेक करना हो, इंक्लूड थर्मिस्टर, एनटीसी, वो चेक करना हो, तो हम चेक कर सकते कि नहीं कर सकते? चेक कर सकते। अगर इसकी जगह गलती से वीडीआर मिल गया हमको, तो वीडीआर कैसे फंक्शन करता है मालूम है कि नहीं हमको? मालूम है कि नहीं सर? फर्स्ट टाइम ढूंढा है मैंने, वीडीआर का नाम भी नहीं सुना था, और आज हमने ढूंढ के दिखाया। अच्छा, ढूंढ के दिखाया, फंक्शन नहीं मालूम पड़ा? यस सर, यूनिक फंक्शन है, बताने की सोच ही नहीं सकता, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से, लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, कल लाइव फोन से पावर हम निकाल के लगाएंगे, सब चालू करेंगे। जी सर, आर यू एक्साइटेड? यस सर, ओके, थैंक यू सर। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर मेरा नाम अतुल, और मैं मेरठ से आया हूं। अतुल, आप मेरठ से आए? तो अतुल, ये बताइए कि 27 तारीख और 28 तारीख वाले अतुल में और 29 तारीख के रात के 10 बजे वाले अतुल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर, आपने बहुत नॉलेज दे दिया। अब ये बताइए सर, कंपोनेंट का नॉलेज कैसा है हमारे? जिंदा से एकदम, मतलब कोई कंपोनेंट में, अगर मैं अगर आईफोन का भी मदरबोर्ड अगर आपको दे तो उसके कंपोनेंट चेक करके बता सकते हो? सर अगर में गया तो हम बता देंगे क्या लगाता है, क्या लगाता है, मतलब उसका ट्रैक देख के बता देंगे क्या लगाता है। जी सर, बता देंगे हमको। कॉइल के बाद कॉइल क्या होता है, क्या काम होता है, ये हमको मालूम है? यस सर, मालूम है। बस मतलब उसके, अगर मैं, चलो एक चीज और पूछना चाहूंगा आप सबसे, एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर मैं बक कॉइल, बुश कॉइल, चार्जिंग का कॉइल, पावर का कॉइल पूरा इकट्ठा कर दूं और आपको बोलूं क्या लाइट का कॉइल ढूंढ के निकाल के बता दे? सब अलग कर देंगे, एक एक अलग कर देंगे भैया, ये चार्जिंग का है तू अलग जा, है ना, तू पावर की इतनी कॉइल है तू अलग जा, ये लाइट का है तू लाइट में जा, और तू ग्राफिक्स का है कहीं भी लगा देते, लेकिन अब हम सब अलग कर देंगे, सब अलग कर देंगे सर। चलिए, थैंक यू सर। चलिए, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, धीरज कुमार। धीरज कुमार, धीरज कहाँ से? आप पटना से सर? पटना से। तो धीरज, पटना से कहीं और पढ़ सकते थे, पर यहाँ क्यों पढ़े? यहाँ आने का मन था, यहीं पे आने का मन था।
तो कैसा क्या लगा एशिया टेलीकॉम में कि बिल्कुल चले आए, तो आने से पहले कुछ डर लगा था क्या? क्योंकि लाइव यहाँ पे क्लास होते रहती थी तो बच्चे पर बोलते रहते थे, तो लाइव में तो झूठ लगता होगा, तुम भी बोल रहे हो तो लोगों को झूठ लग रहा होगा कि यार धीरे देना ये बिरयानी एमडी साहब ने बिरयानी खिला दी होगी। जो एक दिन झूठ बोल सकता है 25 आदमी एक दिन झूठ नहीं बोल सकता, 25 आदमी एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। तो वाले धीरज मतलब 28 तारीख वाले धीरज में और अभी 29 तारीख वाले धीरज में क्या परिवर्तन? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो पहले मैं नहीं जानता था, कभी लाइफ में एमएमसी रिवॉल्व नहीं किया था, यहाँ आकर फर्स्ट दिन में एमएमसी रिवॉल्व कर दिया, सेकंड में पावर आईसी, उसके बाद दो दिन में पूरा कंपोनेंट की जानकारी। इसलिए बोल सकता हूँ दुनिया का कोई भी टीचर दूसरे दिन बच्चों से लाइव अनकट लाइव है ना किसी से पूछ ही नहीं सकता, नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको, इसलिए पूछ सकता हूँ आपको, मैं आके डाल के पूछ सकता हूँ क्योंकि मैंने लाइव काम करवाया आपसे। विदाउट डायग्राम कोई भी कंपोनेंट का आसानी से जानकारी मिल सकता हूँ। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, ये बिल्कुल फ्रेशर है, असम से आए हैं, प्लीज नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अबू रकीब है। अबू रकीब 28 तारीख को क्या नॉलेज आ रही है और अभी रात के 10 बजे? सर अभी थोड़ा बहुत नॉलेज आ रहा है, सीपीयू ईएमएनसी पावर आईसी रैम ओरिबल किया है। दूसरे दिन आपको इतना सब कैसे कर लिया आपने? आपने जीवन में कभी स्टेंसिल नहीं पकड़ा? यस सर, आपके ट्रिक से सब मालूम होगा। फिर कंपोनेंट का तो नॉलेज होगा नहीं आपको? नहीं है सर। कंपोनेंट का दो दिन की क्लास में कंपोनेंट का क्या नॉलेज? रजिस्टर कैपेसिटर का अभी मालूम हो रहा है सर, कौन सा रजिस्टर है कौन सा कैपेसिटर है। वोल्टेज नाप सकते हैं मोबाइल की? नाप सकते हो सर। हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। मैं आपको अगर ये बोलूं कि 100 का रजिस्टर आप बोर्ड से निकाल के बता दो तो निकाल बता सकते हैं? सीरीज क्या होता है पैरेलल क्या होता है ये मालूम है सर? मैं तुमसे बोलूं कि पावर आईसी के पास में 5 पॉइंट की रेटिंग निकाल के बता दो क्या निकाल दो? बता सकते हो सर। दो दिन में इतना सब कुछ? हाँ सर। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं सर, झूठ क्यों नहीं बोल रहा। चलिए ठीक है, थैंक्स। चलिए तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। मोहम्मद इमरान। इमरान कहाँ से हैं आप? पटना बिहार। तो 28 तारीख वाले सवेरे वाले इमरान में और रात के 10 बजे 29 तारीख मतलब सेकंड डे के इमरान में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर, बोर्ड में सर कैपेसिटर है रेजिस्टेंस सब सुन लिया है, उसका वैल्यू बता सकते हैं सर? हैंड स्किल सर बहुत अच्छा था, मैंने अपने लाइफ में कभी ये स्किल नहीं पकड़ा था सर। स्टेंसिल नहीं पकड़ा? जी सर, जो मैंने पकड़ के मैंने रिबॉर्डिंग किया सर, एमसीआई सक्सेस किया। बिल्कुल सर। आपने सारी ऐसी की है? जो 5 स्टेप की ऐसी थी आपने सारी की है कॉन्फिडेंस के साथ? प्रोसेस आपको मालूम है पहले क्या होगा, फिर मतलब सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा? अभी कंपोनेंट का नॉलेज भी हमको, अगर मैं बोर्ड से बोलूँ की वोल्टेज चेक करके बता दो कर सकते हो, मैं बोलूँ की थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो तो ढूंढ सकते हो? कुछ भी नहीं था नॉलेज, जैसे कहते हैं ना नॉलेज ही नहीं है फोन का, अपने इस काम का नॉलेज ही नहीं था बिल्कुल भी। अब नॉलेज है, पूरा नॉलेज है सर्किट का, बोर्ड का, आईसी का, इवन आईसी नहीं लगी हुई है और लगी हुई है तो क्या रीडिंग आएगी क्या नहीं आएगी ये सब नॉलेज है सर। यस सर। सर टोटल ये सब कर देंगे सर, बिल्कुल सब ईटीसी, कोई सी भी आईसी दे दीजिए यूनिवर्सल से या उससे अपने मॉडल वाले से सबसे करें। तो आपने मोस्ट वांटेड जो आईसी डुअल डेकर की बात करें, रैम करें, 4G सीपीयू की बात करें, पावर की बात करें, सारी आईसी आपने उससे बनाई है यूनिवर्सल? यस सर, यस सर, यूनिवर्सल। यस सर, मतलब एक ही एक्सटेंशन से बहुत सारे काम हो जाएंगे। यस सर, यस सर। अभी हैंड स्किल अच्छा हो गया हमारा, अब कंपोनेंट का नॉलेज कैसा आ गया? कंपोनेंट का नॉलेज भी सर पूरा है, देव सर ने दिया है तो पूरा ही होगा सर। उसका प्रैक्टिकली तो जैसे देव सर का काम देने का होता है, यस सर, फिर ये क्लास में आपका करने का होता है। यस सर, तो प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी हमारा सब एकदम बिल्कुल बेस्ट है। अगर मैं बोर्ड से बोलूं कि थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो, बता दो क्या? थर्मिस्टर, रेसिस्टर, कंपोनेंट, कैपेसिटर और आपका कॉइल हुआ, डायोड हुआ, थर्मिस्टर हुआ, जो भी होगा मतलब सब बता दो जितना भी है। तो सर ये हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। जितेश सर। जितेश ये बताइए मेरे को कि 28 तारीख को जितेश में और अच्छी जितेश, चलो मैं 27 से पूछता हूं तुमको, 27 में क्लास, 27 तारीख को जब तुम्हारी किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं थी तो क्लास जब 28 तारीख को आपकी क्लास थी तो आपके सारे डाउट क्लियर थे? मतलब क्लास में बैठने से पहले कि मतलब आप क्या पढ़ेंगे, क्या कैसा पढ़ेंगे, ये डाउट क्लियर थे कि नहीं? क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट लेके बैठे ना क्लास में, हाँ। एक दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि ऐसे टेलीकॉम में मेरे को ये दिन में ये करना है और आगे जाके क्या करना है, हाँ। तो अपन कोई डाउट की स्थिति में बैठेगा फ्यूचर को लेकर, डाउट की स्थिति में बैठेगा। अभी ये बात करो मेरे को कि सबसे पहले ये बताओ मुझे कि आपको सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपोनेंट, जो देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की, तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 में बाय थ्योरिकल बाय प्रैक्टिकल क्या नॉलेज होगा? सभी चीज़ की नॉलेज हो गई है, कैपेसिटर पता चल गया है और रेजिस्टेंस भी पता चल गया है, थर्मल भी पता चल गया है, और अपना डायोड भी पता चल गया है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि थर्मल रेजिस्टर ढूंढ के बता दो, थोड़ा टिपिकल काम होता है तो आप बता दें? बता दें। वोल्टेज में अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे को कनेक्टिविटी लेके बता दें, जीआर लेके बता दें, रीडिंग लेके बता दें तो बता देंगे? वोल्टेजेस चेक करके बता दें तो बता देंगे? मल्टीमीटर का ऐसा कोई फंक्शन जो आपको पता नहीं है? नहीं सर, पता है सारे, पता कॉन्फिडेंस के साथ। अभी बोर्ड में जो कंपोनेंट दिखते हैं आप कैसे दिखते हैं? अब देखने का नजरिया बदल गया, नजरिया बदल गया। चलिए दो दिन में इतना सब कुछ, और अभी हैंड स्किल की बात करो तो बहुत अच्छा।
कोई सा भी अगर मैं सीपीयू देता हूं तो आप यूनिवर्सल स्टेंसेस बनाने में सक्षम अच्छा मैं कॉन्फिडेंस के साथ हां बोलो बस चलिए तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है आप भी आ जाइए तो क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका जनेश्वर आपसे 28 तारीख वाले जलेश्वर में और आज के जलेश्वर में क्या फर्क है मीटर के बारे में तो जानकारी नहीं थी अच्छा सीपीयू एमएमसी अभी दो दिन से क्लास चल रही है अगर मैं बोलूं आपकी चालू बोर्ड से वोल्टेज चेक करके बताऊं कहां से कंपोनेंट्स सीरीज में लगा पैरेलल में चेक करके बता सकते हो रजिस्टर अगर मैं बोलूं कि तीन रजिस्टर मेरे को हाई वैल्यू का है 50 के का है 100 के का और एक 200 के का आप ढूंढ के बताऊं तो बता दूंगा 200 ओम का रजिस्टर ढूंढ के बता दूंगा मैं आपसे ये पूछूं कि थर्मिस्टर की रीडिंग कहां से कैसी मिलती है और थर्मिस्टर की टेस्टिंग क्या होती है बताया आपको तो मेरे साथ फिर एक और स्टूडेंट है मैं आपसे तीन प्रश्न पूछूंगा अभी हैंड स्किल कैसी है आपकी बहुत अच्छी किसी भी प्रकार का सीक्यू रिवॉल्व कर सकते हो बिना सोचे समझे आप करके बता देंगे जी सर अच्छा दूसरी बात कि कंपोनेंट का क्या नॉलेज है पहले से ज्यादा नॉलेज सर पहले तो कुछ भी नहीं था जानते आज दो दिन में क्या नॉलेज हमने जो कंपोनेंट पढ़े हैं क्या हम उसको बोर्ड में लगे हुए सारे चेक कर रहे हैं ये सारे कंपोनेंट के बारे में बता वोल्टेजेस के बारे में पता है जी सर मल्टीमीटर को वोल्टेज कैसे चेक करते हैं जी सर अगर हमको बोर्ड से रीडिंग निकालना हो मैं तुमसे बोलता हूं कि तीन बक कॉइल की रीडिंग निकाल के बताओ तो निकाल के बता सकते हो जी सर बिल्कुल निकाल के बता सकते जी सर बक कॉइल क्या होती है बूस्ट कॉइल क्या होती है ये बताया हमको जी सर चार्जिंग में क्या मान की हमारी बक कॉइल लगी होती है पावर्स के पास में क्या वैल्यू है नाम की बक कॉइल ये बता सकते हैं जी सर लाइट में क्या मान की कितने माइक्रो हेनरी की लगी होती है बता सकते हैं सर ग्राफिक्स में कितने माइक्रो हेनरी की लगी होती है बता सकते हैं सर लेकिन चीज हमको करनी है सर तो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैं एक बात करके तो बताइए धीरज मतलब ये प्रदीप ये बताइए कि 28 तारीख वाले प्रदीप में और आज के प्रदीप में क्या फर्क है सर इतना मॉडिफिकेशन दो दिन में हो गया कि लाइट बदल गया क्योंकि सर कंपोनेंट बारे में इतने डिटेल में होता है पहले से नहीं पता फिर सर जो एक सिंपल कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ सर क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स वो भी ऑनलाइन अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग जिसकी फीस मार्केट में 20,000 से 80,000 तक होती है अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से